नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC सिलेक्शन पोस्ट का। आप सभी का एग्जाम फाइनली खत्म होने वाला है एक दो दिन में, तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसकी जो आंसर की है वो आप सभी की कब तक आ जाएगी। पूरा डिटेल में बताऊंगा और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आप लोग अपनी आंसर की को जो किस डेट से लेकर किस डेट तक चेक कर सकते हो, क्योंकि एक डेट होती है उसी डेट तक आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, साथ ही बात करूंगा कि जो रिजल्ट है आप सभी का उसमें आपको रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा वो भी मैं बात करूंगा। साथ ही आप सभी को ये भी आने वालों कि इसका आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या इसमें आगे का कोई प्रोसेस होता है या डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या क्या होगा, वो भी बात करेंगे। साथ ही कितने गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा वो भी हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी को मैं ये भी बताने वाला हूं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी से कितनी तक जाती है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट आपके इस वीडियो को लेकर नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से कहना चाहूंगा एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो फिर आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं मैंने आपको बताया SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का, जैसे कि हर साल इसकी जो वैकेंसी है वो आपकी आती है। फेज 11 पिछले साल आया था, उससे पहले फेज 10 आया था, और ये वैकेंसी हर साल आप सभी की आती है SSC के कैलेंडर में, ठीक है। और ये वैकेंसी कौन सी होती है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ थोड़ा सा। ये वैकेंसी वो होती है, मान लो कोई भी SSC का डिपार्टमेंट है और वहाँ से कुछ वैकेंसी खाली हो जाती है। जैसे कि खाली कैसे, कोई कैंडिडेट ट्रांसफर लेके चला गया, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं वो रिजाइन दे देते हैं, दूसरी पोस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस कारण से जो भी वैकेंसी खाली रह जाती है तो वो वैकेंसी आपकी सिलेक्शन पोस्ट के अकॉर्डिंग भरी जाती है, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गई, खैर इस बात से तो कोई मतलब है ही नहीं। बात कर लेते हैं आपके एग्जामिनेशन की डेट के बारे में। आप सभी का एग्जाम जो 20 जून से स्टार्ट हुआ था 20 जून 2024 को, और इसकी जो लास्ट डेट थी होने वाली है वो आपकी देखिए कितने तारीख होने वाली है। वो आप सभी का पेपर जो होने वाला है वो आपका 26 जून 2024 तक आप सभी का जो पेपर है वो आपका चलने वाला है, ठीक है। पेपर जो आपका एक नहीं चार शिफ्ट में आपका भी का टोटल जो पेपर लिया जा रहा है, कितने शिफ्ट में चार शिफ्ट में हर दिन आप सभी का पेपर हो रहा है। और देखिए आपकी जो शिफ्ट होने वाली है वो आपकी कौन सी होने वाली है, चार शिफ्ट आपकी पेपर होने वाली है, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, देखिए शायद मुझे लग रहा है 22 तारीख को पेपर नहीं था, ठीक है, चलिए खैर इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन 20 से 26 तक आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके आंसर की जो है कब तक आएगी। अगर मैं आंसर की के बारे में बात करूं तो 5 से 7 दिन के अंदर आप सभी की जो आंसर की है वो आपके सामने आ जाएगी। कितने दिन में, 5 से 7 दिन के अंदर आप सभी की जो आंसर की आप सभी को देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको यहाँ पे देख लेनी है कि 5 से 7 दिन के अंदर आप सभी की आंसर की आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं एक डेट के बारे में बात करूँ, एक डेट अगर मैं बात करूँ तो 1 जुलाई 2024 से लेकर आप सभी की जो आंसर की है वो आपकी 3 जुलाई 2024 के बीच में आप सभी को आंसर की देखने को मिल जाएगी। ये जो दो डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या तो हो सकता है कि 1 जुलाई को आपके आंसर की आ जाए, नहीं तो आपकी जो आंसर की है वो 3 जुलाई तक 100% श्योरली के तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आप सभी की आंसर की आप सभी के सामने होगी, ठीक है। लेकिन बात करता हूँ टाइमिंग किस टाइम पे आएगी जो आप सभी की आंसर की है, रात को 8 बजे आपकी आंसर की आएगी, ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। कितने बजे आएगी आंसर की, 8 बजे आएगी, और जैसे ही आंसर की आएगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तुरंत आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि आंसर की जो भैया आ तो जाती है लेकिन वो कितने दिनों तक अवेलेबल रहती है, क्या टाइम होता है उसके लिए। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए भी कुछ टाइम रहता है, जैसे कि 4 से 5 दिन आप सभी को आंसर की चेक करने के लिए मिलते हैं। मान लो आपके आंसर की 1 जुलाई को एग्जाम्पल के लिए आ जाती है तो आप सभी की जो आंसर की के लिए टाइम मिलेगा चेक करने का, यानी कि जो लिंक होगा, ठीक है, जो लिंक होगा वो आपका कितने दिन अवेलेबल रहेगा यानी कि एक्टिवेट रहेगा, वो 1 जुलाई से लेकर शाम को 8 बजे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। मान लो एग्जांपल के लिए 1 जुलाई को आंसर की आ जाती है तो शाम को 8 बजे आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो आंसर की का लिंक एक्टिवेट रहेगा वो 5 से 6 जून तक आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा। और एग्जैक्ट डेट आपका कब तक रहेगा वो मैं आपकी आंसर की जब आएगी तो उसमें मैं बता दूंगा कि इस डेट तक आपको आंसर की चेक करने का लिंक एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद फिर आप आंसर की नहीं चेक कर सकते। तो दोस्तों आप इसमें अवेयर रहें पहले से ही, मैं ये चीज़ आपको पहले बता देता हूँ। काफ़ी कैंडिडेट क्या करते हैं कि आपके आंसर की नहीं देख पाते, फिर बाद में बोलते हैं कि भैया आंसर की डेट निकल गई, अब मैं कैसे चेक करूं भाई, फिर चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं था। फिर आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है कि आप केवल और केवल फिर रिजल्ट का वेट करो, ठीक है, केवल और केवल फिर रिजल्ट का वेट करना होता है, बस और कुछ नहीं रह जाता, ठीक है ना। ये चीज आपकी क्लियर होगी। चलिए ये आपके समझ में आ गया कि आपके आंसर की कब से कब तक आ जाएगी, डेट भी मैंने आपको बता दी, कब तक अवेलेबल रहती है ये भी बता दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी जो आंसर की का जो रिजल्ट है वो आप सभी का उसके पास, सॉरी रिजल्ट आपका जो है कब तक आ जाएगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं तो आपका देखिए पेपर का जो सबसे पहले उसमें आपका पीडीएफ आएगा जिसमें आपका पीडीएफ में आपका नाम होगा और रोल नंबर होगा, ठीक है, अन्यथा उसके सिवा उसमें आपको की कोई भी डिटेल नहीं होगी। साथ ही कैटेगरी का कोड होगा, बस इतना होगा, ठीक है। वो आपकी देखिए 10th की एक पीडीएफ अलग आएगी, 12th की एक पीडीएफ अलग आएगी, और आपका ग्रेजुएशन की एक पीडीएफ अलग आएगी, ठीक है, जिसमें आपका अलग अलग कैंडिडेट की लिस्ट होगी, ठीक है। 10th की एक पीडीएफ होगी, एक 12th की पीडीएफ होगी, एक ग्रेजुएट लेवल की पीडीएफ होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, जिसमें नाम और रोल नंबर आप सभी के होंगे, और वो भी नाम और रोल नंबर किन के आएंगे, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे केवल उनके, सभी के नहीं आएंगे, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे केवल उनके आपके इसमें आपको जो है यहाँ पर रोल नंबर और नाम में आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ में, ठीक है।
अब बात करते हैं कि भैया इसके रिजल्ट की डेट बता दीजिएगा, कितने दिनों से आपका कितने दिनों तक के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो देखिए पिछले प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताना चाहूँ आप सभी को, और इसी तरीके से इस बार भी होता है और अच्छी तरह से ये करते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो आपका 1 सितंबर 2024 से लेकर 5 सितंबर 2024 के बीच में आप सभी का रिजल्ट आप सभी के सामने मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब 2024 के आपके फर्स्ट वीक में आप सभी को रिजल्ट जो आप सभी का देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका नाम और रोल नंबर अगर आप होगा तो इसका मतलब आप सिलेक्टेड है, और आपका नाम और रोल नंबर नहीं है तो इसका मतलब आप सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपको सोचेंगे भाई इसके मार्क्स वगैरह मैं कब से चेक कर पाऊंगा। दोस्तों मार्क्स चेक करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है कि इसका जो मार्क्स है वो आप सभी के बाद में जारी किए जाते हैं, ठीक है ना, पहले जारी नहीं किए जाते। ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे केवल एक ऑप्शन है कि आपका जो जैसे ही आपके मार्क्स जारी होंगे वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा खैर, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले PDF जारी होगा, केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद आप सभी का क्या होगा, रिजल्ट आएगा जिसमें आपके मार्क्स वगैरह जारी किए जाएंगे, जिसमें कितना आपको किस सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन, जैसे टोटल नंबर ऑफ मान लो 60 है आपके, तो नॉर्मलाइजेशन में 65 हुए हैं या फिर 58 हुए हैं, घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, तो वो आपको कब पता चलेगा, वो आपके 15 दिन बाद पता चलता है जब आपकी ये लिस्ट आती है तब, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं, देखिएगा आपके अब बात कर लेते हैं, देखिए पास कितने कैंडिडेट को किया जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा पास के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए 10th लेवल के, 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के, ठीक है। अगर मैं तीनों के बारे में बात करूं तो देखिए कुछ कुछ वैकेंसी होती हैं जिनमें 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं, कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जिनमें 20 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं, लेकिन हम ऑन एन एवरेज लगा ले रहे हैं तो 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं इसी के हिसाब से मान लेते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 2049 इस बार वैकेंसी आपकी होने वाली है। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो कैंडिडेट पास होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 20,490 कैंडिडेट को यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपका इसमें नाम और रोल नंबर आ जाता है तो इसके बाद कोई भी प्रोसेस नहीं होता, सिंपली क्या होता है कि आपका केवल डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें ना ही कोई फिजिकल है, ना ही कोई टाइपिंग है, ना ही कुछ है, ठीक है। क्या है कि मतलब कुछ पोस्ट होंगी जिनके लिए होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता किसी भी पोस्ट के लिए है। कुछ सर्टिफिकेट हैं जो कि पास आपके पास होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहाँ पे भी आप मतलब सेलेक्ट होते हैं, जिस भी रीजन में आप सेलेक्ट होते हैं उसी रीजन में जाके आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप सभी की क्लियर होगी होगी मेरे हिसाब से कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो जिसमें आपका 20,490 कैंडिडेट को लगभग पास किया जाएगा, अगर 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं तो, ठीक है, ये भी चीज़ आप सभी की क्लियर हो गई, ठीक है भाई। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग, बस इतना ही होता है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ती है क्योंकि 10 गुना कैंडिडेट पास होंगे तो भाई उनमें से मान लो एक सीट है और वहाँ पे 10 कैंडिडेट को पास किया गया तो लगना तो एक ही है ना, लेकिन कट ऑफ जो है फिर से बढ़ाई जाती है दोबारा से इस कारण से, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो 10 कैंडिडेट कराएंगे, ठीक है भाई, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करते हैं भाई इसकी कट ऑफ को लेकर, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट पूछेंगे भैया कट ऑफ के बारे में, बहुत जल्दी बताइए कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा मेन है। अगर मैं इसके कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो देखिए इसमें किसी भी पोस्ट को बता पाना, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बता पाना कि इतनी कट ऑफ जाएगी कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि मैं इसकी कट ऑफ आपको क्लियरली तरीके से बता सकूँ कि भाई 80 नंबर कट ऑफ जाएगी या 90 नंबर कट ऑफ जाएगी या 120 जाएगी या 140 जाएगी, मैं कुछ नहीं बता सकता। इसमें क्यों नहीं बता सकता कि कुछ पोस्ट तो ऐसी होती है जिनका 50 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, 50 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का 60 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, 60 नंबर पे भी हो जाएगा, किसी का 100 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, और किसी का जो है 150 नंबर पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि वेरी करता है कि किस पोस्ट के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसे पॉपुलर पोस्ट होते हैं जिनके लिए ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि अब उसकी जो है कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाली है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आपका रहता है क्योंकि यहाँ पे पोस्ट वाइज सिस्टम है इसलिए, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसमें कोई भी पर्टिकुलर नहीं बताया जा सकता कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है कि आपका पेपर अगर ठीक ठाक गया तो हो सकता है कि आपका हो भी जाए, ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। बाकी आपको देखिए अगर आपको ये चाहिए कि भाई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बताओ तो आप अपना पोस्ट कोड और आपका पोस्ट का नाम और किस रीजन में वो पोस्ट है वो भी आप लोग बताइएगा। उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा कि उस पोस्ट के लिए जितनी भी पोस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है पोस्ट का नाम, ठीक है, जो भी आपकी पोस्ट का नाम है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसका मैं अगली वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें पोस्ट वाइज लेके आऊँगा कि कितनी पोस्ट वाइज जो है कि पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी, पिछले सालों में आपकी कट ऑफ कितनी, 2-3 सालों के अंदर कितनी कट ऑफ पूछी गई है, साथ ही देखिए अब आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ उस पोस्ट के लिए क्या रह सकती है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पोस्ट का कोड बताना है, ठीक है, पोस्ट का कोड और साथ ही आपको पोस्ट का नाम भी, ठीक है, कोड और नाम दोनों चीज आपको बतानी है, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। तो मैंने आप सभी को बता दिया, बाकी आप कट ऑफ आप लोगों को भाई कोई भी नहीं बता सकता, मैं आपको श्योरली तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। चाहे आपकी कुछ पोस्ट ऐसी है जिनका 60 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ पोस्ट ऐसी जिनका 150 पे भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को यहां पर ध्यान में रख लेना है। तो मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में आप सभी के साथ में बता दिया, आई होप आप सभी के लिए मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन बनता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप सभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं, और इसी तरह की अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।